हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट में और लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आपको चार्जिंग कनेक्टर सीसी कनेक्टर कैसे चेंज करना है विदाउट जले और सेफ और फास्ट तरीका गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पे इसको चेंज करने का आपको एक तरीका बता सकता हूँ, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है बिना किसी रांगा के। और चलिए वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत इजी तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइस। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्लक्स को चारों तरफ लगा देना है गाइज। मैं यहाँ पे फ्लक्स चारों तरफ यूज कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये फ्लक्स जो आप दिखाई दे रहा है इसको आप चारों तरफ इंजेक्ट कर लें अच्छे से। और बहुत फास्ट और सेफ तरीका है गाइज, क्योंकि जो बिगनर हैं, जो पहले से जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो नहीं जानते हैं, जो इस फील्ड में अभी नए हैं और सीख रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग, तो उनको बहुत हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को हमारे ऐसे सब्सक्राइब कर लें गाइज, इसमें आपको बहुत सारी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हमने चारों तरफ इसका फ्लक्स को इंजेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, हिट देना है। आपका जो हिट होना चाहिए गाइस वो होना चाहिए 300 300, आपका हिट होना चाहिए, एयर होना चाहिए 40। तो चलिए फटाफट बिना जले बिना किसी टाइम वेस्ट के हम यहाँ पे काम को फिनिश करते हैं। तो मैं हिट कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, सेफ तरीका, फास्ट तरीका। बाजू में माइक होता है तो आप हमेशा यूज़ करें गाइस, मैं आपको बता दूंगा, सिल्वर टेप सिल्वर पेपर का यूज़ करें। तो देखिए मैं 300 और इस पर काम कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं इजी तरीके से हमारा यहाँ पे निकल जाएगा गाइस। ये देख सकते हैं सेफ तरीके से। अब आपको क्या करना है गाइस, डिसऑर्डर लेना है, और डिसऑर्डर ले करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको क्लीन करना है। तो चलिए मैं डिसऑर्डर ले लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ गाइस। इनको चारों को अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे डिसोल्डर, और यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने या फिर जो भी कनेक्टर्स है इसके डाटा प्लस और माइनस की लाइन उखड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस की लाइन है यहाँ पे बेसिकली। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गाइस कि यहाँ पे प्लस माइनस की लाइन नहीं है, प्लस माइनस की सप्लाई नहीं है डाटा माइनस और डाटा प्लस, पर यहाँ पे प्लस माइनस की सप्लाई है। ये देख सकते हैं प्लस माइनस की यहाँ पे सप्लाई है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस की सप्लाई है। तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्स और पीपीटी यूज़ करेंगे। पीपीटी यूज़ करेंगे हम 138। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स यूज़ कर लेते हैं, फ्लक्स और पीपीटी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस में हम थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, अब उसको आयरन से सोल्ड कर देंगे। ये देखिए गाइस, आयरन से हम इसको कर देंगे थोड़ा सा सोल्ड। चलिए इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा वॉश। वॉश करने के बाद क्लीन, तो ठीक है गाइस। चलिए तो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस की सप्लाई में हल्का सा फ्लक्स यूज कर लिया है। अब आपको सीसी कनेक्टर को, जो मैं ये देखिए मैंने चारों आपको पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, होल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो क्लीन दिखाई दे रहे होंगे गाइस। क्लीन इसलिए है क्योंकि गाइस इसको लगाने का बेस्ट तरीका और बहुत ईजी तरीका, बहुत ही सेफ तरीका है गाइस। तो चलिए यहाँ पे हमने क्लीन कर लिया। अब इसको क्या कर लेना है, सिंपल और सिंपल आपको उसको खांचे में बैठा देना। इससे क्या होता है गाइस कि आपका बहुत वन शॉट में, जैसे कि मैं बात करूँ वन शॉट में आपका लगेगा, जैसे आप हिट देंगे तो आपकी जो पिने हैं डाटा माइनस डाटा प्लस और हमारा प्लस की लाइन और हमारा ग्राउंड की लाइन, ये बहुत अच्छी तरीके से सोल्ड हो जाएगा। तो चलिए यही हम करने वाले हैं। यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स यूज कर ले, हल्का सा मैं यहाँ पे फ्लक्स यूज कर लेता हूँ गाइस, जिससे कि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम फ्लक्स यूज़ कर लेते हैं। आपका एयर 40 और हिट 30 होना, 300 होना चाहिए। चलिए इस कनेक्टर को हम लगा रहे हैं गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा माइनस प्लस की लाइन भी आप बना सकते हैं। और गाइस देखेंगे बहुत जल्द से ही हमारा ये जो हम 130 यूज़ करते हैं गाइस, तो बहुत इजी तरीके से हमारा यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। देखिए बहुत कम समय में ये हमारा मेल्ट हो चुका है गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी क्लीन करूंगा। और एक नया तरीका, अगर आपके पास रांगा नहीं है तो आपको क्या करना है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीका, मैं ऐसे ही सारे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके चारों पॉइंट पे आपको हल्का हल्का
आपको लगा देना है गाइस यहाँ पे पीपीटी और फ्लक्स 138, आपको यहाँ पे चारों इसके लेग्स में ये आपको लगा देना है। ये देख सकते हैं मैंने लगा दिया। इससे क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इजी तरीके से। लोग आयरन में लेकर के फंसते रहते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं आयरन लगाऊंगा गाइस ये फटाक से सोल्ड हो जाएगा। ये देखिए सोल्ड हो गया, ये देखिए सोल्ड हो गया, ये देखिए फटाक से सोल्ड हो गया और ये भी फटाक से सोल्ड हो गया। तो गाइस अमेजिंग, बहुत फास्ट रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो देख सकते हैं अब मैं क्लीन करता हूँ और फटाफट आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। तो एक छोटी सी वीडियो है, छोटी छोटी वीडियो है, छोटे मतलब जो बिगनर जो सीख रहे हैं गाइस ये उनके लिए नहीं है जो पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जाहिर से पता है, क्या पता मुझसे भी अच्छा पता हो। तो देख सकते हैं गाइस बहुत इजी तरीके से लग चुका है, बहुत सेफ तरीका। और ये देखिए रांगा आप लेते हैं, रांगा पूरी नीचे नहीं जाती है और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि पूरा ही पूरा सोल्ड हो चुका है। मतलब बहुत अच्छा तरीका, बहुत मजबूत तरीका गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी सीसी लगाएंगे, फ्लक्स लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नहीं उखड़ने वाला है गाइस। तो बहुत अच्छा तरीका और बहुत बेस्ट तरीका और न्यू तरीका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस हमारा सोल्ड हो चुका है, इसकी डाटा की लाइन मिसिंग थी। हम डाटा की लाइन भी बना सकते हैं गाइस, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से टफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो ये तरीका कैसा लगा गाइस। थैंक यू।